वर्ल्डन आदि हैं, परंतु इसी तरीके से नया बनाता है। ये पुराने हो गए ना, अभी हम सब देखो ओल्ड हो गए हैं, पुराने, उसका मतलब ही है आयरन एजेड वर्ल्ड अभी है, जिसको गाई जाएगा पुरानी दुनिया। तो हम सब अभी पुराने तमो प्रधान हो गए हैं, अभी बाप आकर करके फिर हमको सतो प्रधान बनाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है नई दुनिया अथवा नई दुनिया का क्रिएटर। बाकी ऐसे नहीं, दुनिया ही नहीं है। तो ये भी चीजें समझने की है कि उसको क्रिएटर इसी नाते कहा जाता है। पर तो ये समझना कि जो परमात्मा इसी सभी बातों का जो यथार्थ नॉलेज है वो ही आकर के देते हैं, इसीलिए इस सभी बातों का निर्णय यथार्थ कि परमात्मा क्या है और हम मनुष्य आत्माएं क्या है और ये मनुष्यों के सृष्टि का चक्कर भी कैसे चलता है, इन सभी बातों की यथार्थ नॉलेज वो नॉलेजफुल गॉड ही जो है ना वो आकर करके देते हैं। तो इसी नाते उनको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर।